बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर सड़कों पर है। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में भाजपा भ्रष्टाचार को समर्थन दे रही है। एबीवीपी ने सरकार व नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वीवी अध्यक्ष आकाश नेगी ने बताया कि नौणी विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति को बर्खास्त करने के बजाय सरकार सेवा विस्तार दे रही है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। नौणी विश्वविद्यालय में भाई भतीजावाद बढ़ाया जा रहा है। एबीवीपी पहले ही इसके खिलाफ आवाज उठा चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार कार्रवाई के बजाय इसे संरक्षण दे रही है। एबीवीपी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एबीवीपी पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। लंबे समय से एक मांग रही है। अगर हिमाचल के अगर हम एक शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं तो नौणी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके जो वाइस चांसलर है हमेशा से सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और अभी हम देखते हैं 31 मार्च को जब उनका 3 सालों का कार्यकाल पूरा होता है तो सरकार द्वारा उन्हें 2 तारीख से सेवा विस्तार उनको प्रदान किया जाता है। उसी के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ विद्यार्थी परिषद लंबे समय से एक आंदोलन चलाती आ रही है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को उस पद पर, उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। उसी के कारण आज विद्यार्थी परिषद यहां पे अपना धरना प्रदर्शन ये कर रही है, ताकि प्रदेश सरकार को ये यहां से चेतावनी दे कि ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बैठने का कोई हक नहीं है, उस व्यक्ति को उस पद से जल्द बर्खास्त किया जाए ताकि उस पद की गरिमा बनी रहे। विद्यार्थी परिषद के अगर मैं आपको बात बताऊं तो इससे पहले जो वाइस चांसलर वहां के हैं, इससे पहले वो रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। वहां पे भी उनके ऊपर जो नियुक्ति थी वो कोर्ट केस तक पहुंची थी। उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आता है उससे पहले वो यहां पे नौणी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन चुके थे। लेकिन अभी विद्यार्थी परिषद ने सीएम से लेकर गवर्नर तक हर चीज हमने ट्राई किया है कि वहां तक उन्हें बताया जाए कि उस जो वहां का जो भ्रष्ट कुलपति है उसको उस कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर फिर भी वहां से कुछ नहीं होता तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन का रास्ता तो अपनाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय विद्यार्थी परिषद, जैसे कि आपने कहा, कोर्ट का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। मैं आकाश निगी इकाई अध्यक्ष एचपीयू इकाई। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।